हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित, और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं ये है सीमेंट सेक्टर के ऊपर। हम आज के वीडियो में ये एक्सप्लेन करेंगे कि सीमेंट सेक्टर आगे जाके किस तरह परफॉर्म कर सकता है, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, और ये किस लेवल पे आज के डेट में खड़े हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि मार्च महीने में सीमेंट सेक्टर ने काफ़ी अच्छी रैली दी थी, और काफ़ी सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं इन्होंने अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरफ टच करने का ट्राई किया था। और अब अप्रैल महीने की सीरीज़ में ये स्टॉक यहाँ कुछ कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेवल्स अट्रैक्टिव नहीं है। मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हुए हैं सीमेंट सेक्टर में जो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अभी हमें नज़र आ रहे हैं। हमें लगता है कि ये इन स्टॉक्स के लिए मेक और ब्रेक लेवल हो सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल थ्रू जितने भी लेटेस्ट स्टॉक्स होते हैं जो ब्रेकआउट लेवल के लिए रेडी होते हैं या फिर ब्रेकडाउन के लिए रेडी होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। और हम लोगों की यही कोशिश होती है कि हम लोग आपको स्टॉक सही समय पर बता पाए, जिससे कि आप उससे अच्छा मुनाफा कमा पाए। तो चलते हैं। पहला जो स्टॉक हमने लिया हुआ है आज के डिस्कशन में, ये है ACC। अगर आप ACC को डेली चार्ट पैटर्न पे देखेंगे तो ACC एक अपने प्रीवियस हाई जो इसने बनाया था करीबन 1675 के आसपास, जो था करीबन सितंबर में, उसके बाद ACC कंटिन्यूसली इसके नीचे ट्रेड कर रहा था। और अब जाके ACC ने मार्च महीने में इसी लेवल को वापस टच करके वो वापस से नीचे आ गया है। एक दिन के लिए ACC ने इसको ज़रूर क्रॉस किया था, लेकिन ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है और क्लोजिंग इसकी वापस से 1675 के नीचे ही आई है। अब अप्रैल महीने के पूरे सीरीज़ में ACC वापस इसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसे ठीक से देखें तो ACC ने इस लेवल को करीबन 3 से 4 बार तक टेस्ट किया हुआ है, जो मैं आपको अभी बना के दिखा रहा हूँ। तो हमने देखा करीबन ये 4 से 5 बार ACC ने इसी लेवल पे अपने आप को टेस्ट किया हुआ है। हमें ये लगता है कि अगर इस लेवल को आज के दिन में, मतलब 16th of April को, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर ACC यहाँ से आपको करीबन एक 25 से 30 रुपए की मूवमेंट बहुत जल्दी दिखा सकता है। लास्ट टाइम ACC ने जब ये 1675 के लेवल्स टच किए थे अप्रैल के फर्स्ट वीक में, हमने यही स्टॉक अपने टेलीग्राम चैनल पर सजेस्ट किया था शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें ये अंदाज़ा आ गया था कि ये स्टॉक यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा है और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। तो इंट्राडे के लिए ये स्टॉक सजेस्ट किया था, जहाँ पर स्टॉक ने करीबन 25 to 30 रुपीज़ का फॉल दिखाया था और लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया था। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के नीचे एक लिंक दी गई है टेलीग्राम की, उस पर आप जाके क्लिक कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है ये है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में एक डाउन ट्रेंड आया हुआ था, एक बेरिश बटरफ्लाई फॉर्म हुआ था, उसके बाद स्टॉक ने करीबन 4245 के लेवल से एक डाउन ट्रेंड दिखाया था। ये भी स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर रेकमेंड किया हुआ था, जहाँ से स्टॉक ने करीबन 20 से 25 रुपये का डाउनफॉल दिखाकर अब स्टॉक वापस से अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो अंबुजा सीमेंट में अभी तक इतना कुछ स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा अंबुजा सीमेंट तभी स्ट्रांग होगा अगर ये 235 क्रॉस करेगा। तो तीसरा स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम एक करीब बहुत अच्छे रेजिस्टेंस के पास आने का ट्राई कर रहा है। ग्रासिम में अगर मैं आज की लेवल देखता हूँ तो अगर ग्रासिम ये लेवल को ब्रेक करता है, दैट इज 870 के अगर लेवल को ग्रासिम आज की डेट में ब्रेक करता है 16th of April को, तो ग्रासिम यहाँ से आपको करीबन 10 से 15 रुपए की मूवमेंट दे सकता है। लेकिन ग्रासिम के लिए सबसे बड़ा हर्डल आगे वाला जो है, जो मैंने अभी ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाया हुआ है, ये ग्रासिम के लिए काफ़ी बड़ा हर्डल है। और 890 क्रॉस करने के बाद ही ग्रासिम आगे की करीबन 915 से 940 की दौड़ लगा सकता है। इंडिया सीमेंट्स हम छोड़ देते हैं, हमने इसको ऑलरेडी 100 रुपीज़ पर एक रिकमेंड किया हुआ था। हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है इंडिया सीमेंट्स पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं हमारा प्रीवियस वीडियो इंडिया सीमेंट के ऊपर। रैमको सीमेंट भी ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट्स दे चुका है और यहाँ से उसने अच्छी एक 10-15 रुपये की रैली कर ली है।
स्टार सीमेंट में हम एक देख रहे हैं ट्रिपल बॉटम टाइप फॉर्मेशन हो रहा है, तो दो बार दो बॉटम तो फॉर्म हो गए हैं। तीसरे बॉटम जो ये आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह से ये मूवमेंट देगा और करीबन 110 के आसपास आके ये अपने आप को एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर ये 110 का लेवल ब्रेक करता है तो स्टार सीमेंट यहाँ से एक करीबन 10 से 12 रुपये की मूवमेंट इमिडिएटली दिखा सकता है। अगला स्टॉक जो है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट को अगर आप देखते हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट का भी चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसने अपनी जो 4150 की जो रेजिस्टेंस थी वे लास्ट वीक ब्रेक की है, और यहाँ से स्टॉक ऊपर चला तो है लेकिन ऊपर जाके ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया है, और ये 4230-4235 से वापस से नीचे आ गया है। अब हमें लगता है कि स्टॉक वापस से उसी हाई को रीटेस्ट करने आ रहा है। अगर आज के दिन में अल्ट्राटेक सीमेंट 4240 के ऊपर निकलता है तो हमें लगता है स्टॉक यहाँ से तुरंत करीबन 50 से 60 रुपए की मूवमेंट दिखा सकता है। हम बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते रहते हैं। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से को ज्वाइन करना है तो आपको बस हमारे थ्रू ज़रदा अकाउंट ओपन करना है। ज़रदा अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे वीडियो के लिंक दी गई है, जहाँ पर आप क्लिक करके आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं और ज़रदा के रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉन्टैक्ट करके आपसे अकाउंट ओपन करवा देंगे। एक बार अगर आपका अकाउंट ओपन हो गया तो आप हमें आपका सिर्फ यूज़र आईडी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमने इसी वीडियो में नीचे दिया हुआ है, और एक बार वो यूज़र आईडी हमें मिल जाए उसके बाद हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो सीमेंट सेक्टर के ऊपर, और जो दो मेन बुलिश स्टॉक्स मुझे आज के डेट में लग रहे हैं वो है अल्ट्राटेक सीमेंट और एसीसी। इन दो स्टॉक के ऊपर मैं आज नज़र रखने वाला हूँ कि ये स्टॉक्स किस तरह परफॉर्म करेंगे, और ये शायद यहाँ से अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, आज अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, चाहे वो अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो सीमेंट सेक्टर के ऊपर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। थैंक्स एंड बाय बाय।